व्यक्तित्व जो है राजा बसु के द्वारा, राजा बसु के आग्रह से राजा बसु यहाँ बात की यज्ञ किए जी, समझे ना जी। यज्ञ के उपरांत ब्रह्मा जी से आह्वान करके वो कुंड का निर्माण कराए। राजगिरी में 22 कुंड 52 धारा 32 मंदिर है जी। यही राजगीर तीर्थ में अधिक मास का मेला लगता है, उस समय 22 कुंड नहाने का फल है जी। और यहाँ पे जो हमेशा गर्म पानी कुंड 12 महीना 400 घंटा पानी गिरते रहता है। अच्छा, धारा का पानी पर्वत से आता है, ब्रह्म कुंड का पानी धरती से आता है। अच्छा, ये धरती से आता है। अरे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, पेन के लिए, स्किन के लिए, पीने से पेट के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। राजगीर घूमने के लिए आए हैं, यहाँ चलते हैं, खाते हैं। और यहाँ जो भी राजगीर में जितना भी है, यहाँ पे घोड़ा कटोरा है, और उसके बाद जलासन का अखाड़ा है, और जू सफारी है, तो सबका वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आप सबसे पहले आपका मोबाइल पे वो चला जाएगा। चलिए दोस्तों, हम पहले चलते हैं, सतघरवा है और ब्रह्मकुंड है, वहाँ पर चलते हैं। और बोला जाता है कि यहाँ जो नहाता है उसका स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी रहता है वो ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी यदि रात भी आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर नहाइए। तो हम चलते हैं, वहाँ का सीन दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम जो भी वीडियो राजगीर का बनाएंगे तो आपका मोबाइल पे चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लेके चलते हैं। मेरा दोस्त भी आया है, दोस्त के साथ हैं। इसका देखे होंगे बोलबम में इसका वीडियो था, बोलबम भी गए थे साथ में। और फिर आज राजगीर घूमे हैं, इसको राजगीर घुमाएंगे पूरा, ये भी वीडियो में रहेगा साथ में। और अभी चलते हैं, उसके बाद वीडियो में बने रहिए। तो ये है, तब चलिए अब जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये सीढ़ी है, अब आएंगे तो ऐसा सीढ़ी मिलेगा ब्रह्म कुंड में जाने के लिए, जैसे ही एंट्री होंगे ना उसके बाद मिलेगा। ऊपर ना कर रहा, उसके बाद फिर ये ऐसा है, देखिए मंदिर देख सकते हैं। और यहाँ सालों भर गर्म पानी ही बहते रहता है, ये सब प्राकृतिक नेचरी प्राकृतिक चीज़ है, भगवान का सब ये सब दिया हुआ है। सालों भर गर्म पानी ही गिरते रहता है। और ये देखिए, अब हम ऊपर की ओर आ गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ ये भगवान जी हैं, राम दरबार, और इस तरह से पंडित जी हैं, इस तरह से ऐसा सीन। घर हुआ आप लोग का। और ये देखिए ऐसा सीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जूता चप्पल रखने वाला है, रख देते हैं, क्योंकि जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा है सीन, यहाँ मंदिर है, यहाँ सब तो धारवा है। तो अभी तो ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, ये सब तो धारवा है। तो चल रहे हैं नीचे, इसके अंदर जैसे ही एंट्री होंगे तो एक मंदिर है, भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऋषि मुनि जी का है। उसके बाद
ये ब्रह्म कुंड का प्रवेश द्वार है। सतधर्वा पहले नहा लेंगे ना, उसके बाद ब्रह्म कुंड में नहाया जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं, अब नहाते हैं, उसके बाद फिर सब ब्रह्म कुंड में जाएंगे। देख सकते हैं सब जा रहा है। बहुत गर्म पानी है, ये सतधर्वा है, उसके बाद बाबा है पैसा का पूरा भूखे हुए है। चलो उसके बाद यहाँ हो गया, आते हैं यहाँ है ब्रह्म कुंड। तो हम नहा लिए हैं, देख सकते हैं पूरा भींगे हैं और यहाँ सब नहा रहे हैं। ब्रह्म कुंड को एंजॉय दिखाई दिया होगा, देख सकते हैं और दिखाते हैं। देखिए यही ब्रह्म कुंड है, यहीं पे हम अभी देखे होंगे नहाए थे। अभी तो उतना भीड़ नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है, ठंडा के मौसम में ज़्यादा भीड़ रहता है, देख सकते हैं। मेरा दोस्त नहा रहा है, वो देखो। और नीचे जाओ ना, गड्ढा नहीं है, आओ नीचे जाओ। हाँ इतना ही है, इतना ही है, जाओ ना, कुछ नहीं है, जा ना तू। अरे गड्ढा नहीं, हम अभी ना आए ना। हाँ बस उतना ही है, सब जगह उतना ही है बस। मेरा दोस्त पंडित जी पकड़ लिए हैं, संकल्प करा रहे हैं। देश के रक्षा गौ ब्राह्मण के हृदय में बाधा, हे भगवान ब्राह्मण को दशहरा वास्ते एक गंजी एक सौ एक रुपया उसी से लाने, देखो गंजी होगा उसी से 100 रुपया, कोई कमी नहीं बिगड़ा। तो दोस्तों अब हम नहा लिए हैं,
यहाँ गर्म कुंड ब्रह्म कुंड सब में नहा लिए थे धरवा में, आप चल रहे हैं निकल रहे हैं और इस तरह से मंदिर दिखाई देगा नहाने के बाद। देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है, देख सकते हैं तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, कुंड नहा लिए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्म पानी था और बहुत अच्छा लगा, मेरा शरीर प्लस पॉइंट में हो गया। आइए मेरा दोस्त कोलकाता से नहाने आया था, तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और तो यहाँ से ले लीजिए मेरा और कमेंट भी कर दीजिए कि आप लोग को कैसा लगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो और हम कहाँ लाएं। अभी तो अभी राजगीर सीरीज में राजगीर का वीडियो देखने को मिलेगा और राजगीर के बाद फिर सोच रहे हैं कि पटना का बनाएं, फिर पटना के बाद फिर कोलकाता निकलेंगे, फिर कोलकाता में वीडियो बनाएंगे तो फिर ये मिलेगा क्योंकि ये कोलकाता में ही रहता है। देख बंदर तो कोलकाता का सीन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो भी डालें आपका मोबाइल में सबसे पहले जाए। इधर का भी दिखा दीजिए, यहाँ पे भिखारी का सीन है बहुत ज़्यादा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बस चलते हैं। Bye.